नमस्कार, हम विवेक कुमार। आज मुझे काफी सालों के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपने बाबा जी यानी दादाजी के लिए खेत में पानी लेकर जाऊं उनको पिलाने के लिए। तो मैंने एक थर्मस पानी भरकर घर से लाया हूं और मेरे दादाजी वहां दूर आम के पेड़ के पास खेत में काम कर रहे हैं। गाड़ी मैंने रोड पे ही लगा दी क्योंकि गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती और नहर के किनारे किनारे चलना शुरू किया। महिला मित्र की बैग टांगने की उर में थर्मस टांग रहा हूं दोस्तों। और ये है मेरी सबसे छोटी चचेरी बहन और ये बच्चे हैं मेरे चचेरे भाई लोग। आज सोमवार है इसलिए इन लोगों का स्कूल साप्ताहिक बंदी थी, जिस कारण ये लोग खेत में आकर गेहूं का भुट्टा पकाकर खा रहे हैं, जिसको देसी भाषा में ओरहा भी कहा जाता है। मगर ओरहा केवल कच्चे गेहूं का ही अच्छा लगता है, पर मेरे भाइयों ने पके गेहूं का बनाया है और ये भी अच्छा था। उसके बाद मेरे बाबा जी भी जल ग्रहण किए। थोड़े समय बाद मुझे पता चला कि गांव के कुछ लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करते हुए आज चाची जी भी खेत में आकर हाथ बटा रही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे खेत में तकरीबन 13 आम का पेड़ लगा हुआ जिसमें से 8 ने मज्जर दे दिया है। मज्जर बोले तो मज्जर के बाद होगा टिकुला, फिर होगा कंचा आम, फिर पका आम। दादाजी पानी पीकर वापस अपने काम में लग गए। इसी पौधे में से राहड़ का दाल निकलेगा और यह है उस पौधे का जड़ वाला भाग जहाँ से पौधे को काटा जाता है और इसको खुट्टा बोलते हैं। और यह इतना नुकीला हो जाता है कि बिना चप्पल वालों के पाँव में अंदर तक धंस सकता है। मैंने अंतिम बार 2018 में दादा दादी के साथ खेत में काम किया। उसी वर्ष अप्रैल 2018 में आगे की पढ़ाई के लिए मैं दरभंगा हॉस्टल चला गया। खेत में धूप इतनी ज्यादा की पूछो मत। फिर खेत से निकलकर मैं पहुंचा घर, क्योंकि माता श्री की आंगनबाड़ी का ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। तभी मुझे पेड़ पे दिखा दो पका हुआ अमरूद, तो पेड़ पे चढ़ के मैंने उसको तोड़ लिया। तो यह है पिंक गोवा जस्ट लाइक हर्ट। अमरूद खाकर वापस मम्मी जी को लेकर जा रहा हूँ मधोनी वाले रूम पे और मन ही मन सोच रहा हूँ जिस दिन सफल हो गया उसी दिन अंदर जाते प्रेम विवाह करके समाज को उसकी औकात दिखा दूंगा।